जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जो कानून के हिसाब से हो सकती है वो ज़रूर होगी। और यहाँ गांव के लोगों को मैं ज़रूर और जनपद के लोगों को ज़रूर यह भरोसा दिलाता हूँ, अपराधियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यह घटना हो गई है, बहुत दुखद है। मैं अपनी तरफ से, अब सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से अरुण साक्त जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परिवार को सांत्वना देता हूँ कि अब हम अरुण साक्त जी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जिन लोगों ने अरुण साक्त जी को मौत के घाट उतारा है उनको ऐसी सजा देंगे कि दोबारा यहाँ पर इस प्रकार का अपराध करने की कोई सोचेगा भी नहीं, अपराध की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाती है। और ऐसे लोगों को सजा यही होती है कि इनको सत्ता के बिना मछली की तरह तड़पने के लिए जनता छोड़ दे, और वह इसीलिए तड़प रहे हैं और ये जीवन भर तड़पते रहे। बात होती है ना कहीं नीरज मिश्रा का नाम लेके वोट बैंक की राजनीति हो रही है क्या? ये सब बहुत छोटी बातें हैं। वोट बैंक की राजनीति हत्या के मामले में, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये बहुत दुखद घटनाएं हैं। यहाँ राजनीति करते समय जहाँ वैचारिक एक दूसरे के प्रति विरोध और समर्थन होता है लेकिन अपराध नहीं होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जन्म ही अपराध की राजनीति के लिए हुआ है, इसीलिए वो समाजवादी अपराध समाप्त हो रहा है, समाजवादी पार्टी समाप्त। मंत्री जी, आपके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि आप दोनों डिप्टी सीएम निर्णय लिया था, जिसके क्रम में आज मैं कानपुर नगर में सुशासन दिवस के इस कार्यक्रम में अपने दोनों सम्मानित अध्यक्ष और हमारे सभी माननीय विधायकगण और सब वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। और आज ही भारत रत्न महामना मालवीय जी की भी जयंती है। मैं दोनों महापुरुषों की जयंती के अवसर पर सभी कानपुर वासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चलने का काम किया है, क्योंकि दोनों महापुरुषों का जीवन एक अपने आप में आदर्श, जो भी समाज जीवन के अंदर काम करता है, राजनीति के क्षेत्र में काम करता है, उसके लिए है। और उसी के क्रम में आज का यह कार्यक्रम था और मैं आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे मालूम नहीं जिन्होंने एक ट्वीट करके भी ऐसे महापुरुषों को याद करने का काम नहीं किया है। जाएंगे तो अटल जी का कद इतना बड़ा, उनके जाने और ना जाने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दो नेताओं का नाम मैं जरूर इसलिए उल्लेख किया हूँ, ये कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी। इन्होंने तो ट्वीट करके भी जो छोटी छोटी बातों को दिन भर ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं याद करने का काम नहीं किया है, या मेरे लिए तो आश्चर्यजनक है, देशवासियों के लिए भी आश्चर्यजनक है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो बाबूजी कल्याण सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनका निधन हुआ तो उनको अंतिम विदा देने के लिए नहीं गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवार के एक एक कार्यकर्ता का संस्कार ऐसा है। राजनीतिक दृष्टि से श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे धुर विरोधी थे, लेकिन किसी के नहीं रहने के बाद उसको अंतिम विदा देने के लिए भी नहीं जाना, या संस्कार सपा का हो सकता है भाजपा। राजस्थान के सीएम का बयान आया है कि आज देश में डर का माहौल है और बीजेपी लोगों को बांट रही है, यहाँ तक कि उसने राम और सीता तक को बांट दिया। देखिए, जो भी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं